हेलो फ्रेंड, यहाँ व्हाट्सएप दो नए अपडेट लेके आया और नए अपडेट ये हैं कि वो व्हाट्सएप UDPI पेमेंट लेके आया, मतलब UDPI पेमेंट लेके आ रहा है अपडेट में, नए अपडेट में आएगा। दो अपडेट बहुत अच्छे लाया। पहला अपडेट तो यही है कि वो अपना पेमेंट गेटवे लेके आ रहा है, मतलब UDPI पेमेंट लेके आ रहा है, जिसे आप पेमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि व्हाट्सएप अपने इसमें UDPI पेमेंट में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आएगा। जैसे UDPI पेमेंट तो जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत सारे वॉलेट दे रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये UDPI पेमेंट लेके आ रहा है। UDPI पेमेंट आखिर होता क्या है? UDPI पेमेंट ये होता है कि अगर इसमें एक वॉलेट भी होता है और आपका बैंक अकाउंट होता है। जैसे आपका कोई पेमेंट आएगा, कोई सेंड और रिसीवर कोई रिसीव सेंड करेगा, तो UDPI पेमेंट में सीधे आपके अकाउंट में पैसा आता है। मतलब जैसे भी कैशबैक होगा, कुछ भी होगा, वो सब आपके सीधे मेन अकाउंट में आएगा। और आप बिना ATM जाए अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और तुरंत तुरंत हो जाता है सब कुछ इसमें। अगर आपने यूज़ करा होगा, जैसे ये फ़ोनपे एक ऐप है, उसमें भी ऐसे UDPI पेमेंट का ही गेटवे देता है। अब तो पेटीएम में भी आ गया, अब काफ़ी मोस्टली में आ रहा है धीरे धीरे। तो व्हाट्सएप ने भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए निकाला है UDPI पेमेंट का। तो ये हमें जल्दी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 7 to 10 डेज में आपको दो अपडेट बहुत जल्दी आएंगे। और पहला तो यही है कि UDPI पेमेंट गेटवे निकाला है, और एक दूसरा है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले आप और सुन लीजिए इसके बारे में। तो ये जो वॉलेट आपको देगा, ये अभी बीटा वर्जन में चल रहा है, बीटा वर्जन टेस्टिंग में चल रहा है, और ये कुछ दिनों में रिलीज़ हो जाएगा सबके लिए। और ये केवल इंडिया में ही अब दिया जा रहा है। और जो दूसरी न्यूज़ व्हाट्सएप की तरफ से निकल के आ रही है, वो है वीडियो कॉलिंग। मतलब आप वीडियो कॉलिंग तो करते होंगे, मगर आप कोलैब वीडियो कॉलिंग नहीं करते होंगे। मतलब आप मल्टीपल इन लोगों से आप एक साथ कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कॉल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसकी लिमिट 4 रखी गई है, और 4 से ऊपर भी हो सकती है। बट अभी बीटा टेस्टिंग में जो कि 4 चल रही है, मतलब 4 लोग से आप अपने पर्सनली और 3 लोग को और आप जोड़ के एक साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। तो जैसे कि किसी में आप देख सकते हैं 6 भी दिखा रहा है। मतलब अभी ये कंफर्म नहीं है कितने लोग तक के लिए होगा, मगर बीटा टेस्टिंग में अभी 4 ही चल रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। वीडियो कॉलिंग ये बहुत ही अच्छा एक अपडेट आने वाला है 2018 का व्हाट्सएप का। ये दोनों बहुत ही अच्छे अपडेट दे रहा है व्हाट्सएप अपने न्यू यूज़र के लिए क्या, सिर्फ इंडियन यूज़र के लिए, ठीक है। ये दोनों फीचर्स अभी सिर्फ इंडियन यूज़र के लिए निकल रहे हैं। मतलब इंडियन यूज़र का मतलब है UDPI पेमेंट तो सिर्फ इंडियन यूज़र के लिए, और वीडियो कॉलिंग का जो कॉन्फ्रेंसिंग वाला सिस्टम है, ये अभी कंफर्म नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए या पूरे ऑल ओवर ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं इसे। तो जैसा कि अब ये जो अपडेट है वही मैंने बताया आपको, 6 to 7 days या 10 days तक मैक्सिमम में अपडेट हो जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कि कब तक ये अपडेट होता है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, बाय, टेक केयर।